अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आपको तो पता ही होगा कि न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट की न्यू ऐसी सेटिंग्स हैं कुछ जो अगर आप उन्हें इनेबल करते हो तो आपका ही फायदा है और डिसेबल करते हो तो आप भाई गेम में डिस्टर्ब होने वाले हो। तो भाई हमारी फर्स्ट सेटिंग निकल आती है लोकेशन पे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सामने बंदा है ठीक है और आप अपने टीममेट को मार्क देते हो, लेकिन भाई ये एनिमी के लिए अच्छा खासा कवर बन जाता है और मार्क की वजह से आपको कुछ दिखता ही नहीं है। सिंपली आपको सेटिंग्स में आ जाना है और एडवांस कंट्रोल पर क्लिक करना है और जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा मार्क स्टाइल। भाई आपका क्लासिक में होगा, आपको मॉडर्न पे क्लिक कर देना है उसे। और भाई फिर आप जब भी मार्क करोगे ना आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। भाई देख रहे हो, मतलब एनिमी के और मार्क के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। और भाई ये सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो बहुत हेल्पफुल है। और भाई हमारी जो दूसरी सेटिंग आती है, सिंपल आपको सेटिंग में आ जाना है और एडवांस कंट्रोल पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है और भाई आपको यहां पर दिखेगा म्यूट आल। भाई आपको इसको म्यूट आल पे कर देना है। इसको म्यूट आल पे क्यों करना है अभी आपको मैं बताता हूँ। क्लासिक में जाके भाई जब भी आप क्लासिक खेलते हो तो आपको अपने टीममेट या आपका ही मार्क आपको डिस्टर्ब कर देता है, आवाजें आती है ऐसी कुछ। और भाई अगर आप इसको म्यूट आल पे कर देते हो तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और अभी हमारी तीसरी सेटिंग आती है एनिमी लोकेशन पे। भाई आपको क्या करना है, सिंपल सेटिंग में आ जाना है और एडवांस कंट्रोल पर क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना है तो भाई आपको यहाँ पर दिखेगा मेन स्क्रीन आइडियो मार्कर्स। आपको इसको क्लासिक मोड में कर देना है और अगर आप इसको क्लासिक मोड में करते हो तो आपको इसका फायदा ये होगा कि स्क्रीन पर भाई आपको जो मार्क्स दिख रहे हैं ना पीले कलर के, भाई ये आपको एनिमी के मार्क दिखाएगी। जैसे मैंने अभी फ्री का किल ले लिया, नॉक था बंदा यहाँ पर। और भाई मैं आपको बता दूं ये सेटिंग मुझे बहुत ही बहुत बहुत पसंद आ गई यार। भाई अगर आप इस सेटिंग को क्लासिक मोड में कर देते हो ना तो भाई आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि बंदा कहाँ पर है। तो भाई फटाफट से इनेबल कर दो इस सेटिंग को। अभी भाई हमारी फोर्थ सेटिंग जो आती है ना भाई वो है कॉन्टेक्ट साइड पे। जब भी आप भाई गेम खेलते हो तो आपका कॉन्टेक्ट साइड पिकअप हो जाता है और आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, ऑटो पिकअप कॉन्टेक्ट साइड को। और जब भी आप भाई इसको डिसेबल करोगे तो भाई आपका ये साइड ऑटो पिकअप नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो ऑटो पिकअप हो ही नहीं रहा। और भाई अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प हुई है ना भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।